बताना। क्या बताना है बेटा दोबारा? मैं आपसे क्वेश्चन, मैं तो आपसे ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि AB² 25 है या AB 25 है? AB² 25 है ना, तो अभी तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ ना, हमें तो AB का मान निकालना है कि नहीं? सब बच्चों को समझ आया? क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म नहीं करना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AB का स्क्वायर बराबर है 25 के, ठीक है? तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB बराबर आ जाएगा √25। अब बताओ AB कितना आना चाहिए? सभी बच्चे गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा ना, पाइथागोरस वाला हम कितनी बार कर चुके हैं ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, है ना? तो ए बी साइड कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गए। अब मुझे आप लोग क्या करोगे, आप सभी बच्चे पहले ये बताओ, किसी को डाउट, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई क्वेश्चन करने में, बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। अच्छा, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है एक बार क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन करो, और बाकी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखो बेटा, बहुत शोर हो जाता है। कह रहा है उसकी बुला रही क्लास है हिला बुआ जी, तन्ने जा जल्दी। बेटा, अपने माइक्स का ध्यान रखा करो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है धीरे आ रही है बेटा? आप तो अपने आप को म्यूट पे करो। रही है अच्छे से। हाँ, आप बेटा म्यूट पे रखो, आपका माइक बहुत देर से ऑन था, ठीक है? अब अपने आप को आपने म्यूट पे रखना है। हाँ, माइक सभी बच्चे बंद रखो, मैं नहीं चाहती कि मैं परमानेंटली सबका माइक बंद करूं, इसलिए माइक का ध्यान रखा करो, कभी कभी गलती से भी ऑन हो जाता है। ओके, चलो अभी मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि AB साइड कैसे निकालेंगे? मैंने कर लिया अभी। हाँ, जिन्होंने कर लिया, वेरी गुड। पहले मुझे ये बताओ, सबको ये समझ में आ गया? अब जल्दी से मुझे इस ट्राइंगल ABC का मुझे एरिया निकाल के दिखाओ। ABC का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ABC का एरिया सभी बच्चे निकाल के दिखाएंगे। कितना होगा? वेरी गुड भाई, सभी ने कैलकुलेट करना भी स्टार्ट कर दिया। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/2 1/2 × आधार यानी बेस, है ना? आधार मतलब बेस मल्टीप्लाई ऊंचाई। अब हमें पता है जो समकोण त्रिभुज होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसका जो परपेंडिकुलर होता है, उसका जो लंब होता है, वही उसकी ऊंचाई होती है, क्योंकि वो आधार के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो जो लंब होता है वही शीर्ष लंब भी होता है, वही एल्टीट्यूड भी होता है ना? तो अब सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, आधार यानी बेस कितना है? 12, और हाइट हमारे पास 5 आ गई। अब 2 6 12, 12 को 2 से भाग किया तो 6 आया, 6 को 5 से गुणा किया तो 30 आया, और हमारे पास यूनिट क्या आ जाएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सभी बच्चे यूनिट्स भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं और सॉल्व भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वेरी नाइस। सबको क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला तो रिवाइज हो गया। अब मुझे ये बताओ, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, है ना? एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ अभी। अगर मैं आपको देती हूँ समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका एरिया क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है? सभी बच्चे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। वेरी नाइस, तो इसका फॉर्मूला क्या है? √3/4 A² जहां पर ए क्या है? ए उस समबाहु त्रिभुज की, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। सभी बच्चों को याद है ना? याद आया सभी बच्चों को? रिवाइज हो गया, हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में। अब क्वेश्चन दूं इससे रिलेटेड करने के लिए? चलो जी, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबने पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है। कुछ बच्चे अभी अभी क्लास में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
हाँ, अब आपके पोल में आ गया है क्वेश्चन नंबर 13। तो सब बच्चे आंसर करेंगे कि दिए गए चित्र में यदि बी बराबर है 5 सेंटीमीटर है, यानी बेस बराबर है 5 सेंटीमीटर और हाइट बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों का ठीक होना चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 2 मिनट का समय दिया जाएगा। अभी कोई भी अपनी नोटबुक नहीं दिखाएगा, जब मैं बोलूंगी तब। चलो अच्छा ठीक है, दिखाई दो। देखो जिसके मुझे ओके वेरी गुड। अभी जितने बच्चों ने भी नोटबुक दिखा रखी है सभी का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने नोटबुक दिखाई हुई है, बेटा ईश्वर सिंह के नाम से कौन है, मुझे बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है आप जो भी दिखा रहे हो। वेरी गुड, रिया का ठीक है, दिव्या का ठीक है, अंजलि का ठीक था, सभी बच्चों ने जितनों ने दिखाया सबका ठीक था। चलो जल्दी से लास्ट के 30 सेकेंड्स और, रिंकी का भी ठीक है, विद्या का भी ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो जल्दी से पोल सेक्शन में भी आंसर करो जाकर, लास्ट के 5 सेकेंड्स और, क्योंकि बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी। बेटा अपना नाम भी लिखा करो सॉल्यूशन के ऊपर, जहां पर भी आप लिख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि कौन है। ज्योति, ज्योति आप बैक कैमरा करके दिखा रहे हो, क्योंकि मुझे ना आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है साहब। आंसर आपको ठीक है। चलो अभी मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ और मैं पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ, बट क्लास में जितने बच्चे हैं उससे आधे बच्चे पोल में आंसर दे रहे हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं पता है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं तो बता दो। और सभी बच्चों का ठीक भी था। हमें पता है कि जो त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल होता है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × आधार। अब आधार यहाँ पर बी है और हाइट इसकी क्या है, ऊंचाई इसकी एच है ना। वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके भी लिख रहे हैं, 1/2 × 5 × 10। अब 2 × 5 = 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए हमारा आंसर कितना आया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था। कोई बच्चा ऐसा जिससे ये क्वेश्चन ना हुआ हो, सबको समझ में आ गया ना। आपको ऊंचाई दी है किसी भी ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल का बेस दिया, आप उसका आराम से एरिया निकाल सकते हो, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करो। अब ये रहा, एक मिनट, आपका है क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें जरा सोच समझ के करना है। दिए गए चित्र में ब्रेड का आधार आपको दिया गया है और आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अभी इस क्वेश्चन के लिए कोई भी अपना बैक कैमरा करके नहीं दिखाएगा। बेटा माइक बंद रखो। कैलाश के नाम से कौन है? यस मैम। बेटा माइक को बंद रखो, आपका शायद माइक बार बार ऑन हो रहा है किसी वजह से। सतीश के नाम से कौन है? बेटा आप भी माइक बंद रखो, माइक पर ध्यान रखा करो सब अपने अपने। चलो अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया है, आराम से टाइम लो क्वेश्चन को करने के लिए।
दिए गए चित्र में आपको ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका क्षेत्रफल आपको 6 सेंटीमीटर ज्ञात दिया गया है, तो आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बराबर कर दो क्षेत्रफल की और यहाँ से क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई को बराबर कर दो क्षेत्रफल के और उसमें वैल्यूज डालो और आंसर आ जाएगा। यस रिया आपका ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या कोई कंफ्यूज हो रहा है वो अपना बैक कैमरा करके बिल्कुल दिखा सकता है कहीं पर अगर आप अटक रहे हो। अंजलि ठीक है आपका, अमन के नाम से कौन है बेटा आपका भी ठीक है, विद्या आपका भी ठीक है, रिंकी आपका अच्छा आपने ऑप्शंस भर के देखे हैं। रिंकी हाइट कितनी निकाली है मुझे वो लिख के दिखाओ। मैम थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ हाँ अभी तो मैं रुकी हुई हूँ। बिल्कुल ठीक है दिव्या, वेरी नाइस। और अच्छी बात ये है सबने नोट बिल्कुल अच्छे से मेरा ठीक है। रिंकी आप आंसर बताओ कितना है। हाँ विद्या आपका ठीक, रिंकी आप मुझे अच्छा ये आंसर है, वेरी गुड बिल्कुल ठीक है, आपने उल्टा मेथड इस्तेमाल किया है, आपने ऑप्शन भर के देखे हैं ये भी करेक्ट है बिल्कुल ठीक है। चलो लास्ट के 30 सेकंड्स और मिलेंगे फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, अभी काफी बच्चों ने अब तक आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर करो। मैम पोल सेशन ऑफ है। नहीं तो नहीं मैम नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा, एक मिनट मैम आ रहा है। आ रहा है मुझे तो यहाँ पे शो कर रहा है बेटा। मेरे फोन में भी नहीं आ रहा। कैसे कैसे बेटा मेरे पास तो और बाकी बच्चे कुछ आधे बच्चों के पास शायद आ रहा है आधे के पास नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? मैम ये कैसे भेजते हैं पोल सेक्शन? मैम हमारे में भी नहीं आ रहा। एक्टिविटीज नहीं आ रहा है या एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है या उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास? क्या ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे ये बताओ। मैम टाइप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं टाइप का तो बेटा नहीं आएगा ना अभी क्योंकि मैंने चैट बंद करी थी। मैम एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आ रहा। एक्टिविटी का ही ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास? यस मैम। अच्छा जिनके पास एक्टिविटी का ही ऑप्शन नहीं है ना वो बैक कैमरा करके अपना मुझे वो सॉल्यूशन दिखा दिया करो। ठीक है जिनके पास। ओके मैम। हाँ रिजल्ट मैं एक मिनट दिखा रही हूँ, रिजल्ट भी आप देख लो। बिल्कुल ठीक, जितने भी बच्चों ने सॉल्व किया था सभी ने बिल्कुल ठीक किया था है ना। दिए गए चित्र में ब्रेड का आधार आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है और क्षेत्रफल आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब हमें पता है कि जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है, एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसका मतलब 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है ना किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी है, वैल्यूज भरनी है। आधार कितना है 3, ऊंचाई को आप h मान लो चाहे तो है ना, ये किसके बराबर आ गया 6 के। अब इसको जब आप इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बिल्कुल दिया था 3/2 × h, बट पिछली क्लास में काफी सारे बच्चों का गलत था इसलिए मैंने इस क्लास में इस क्वेश्चन को रिपीट कराया है। 6 × 2/3 हो जाएगा, सबको ये चीज क्लियर है कैसे आया? ये अगर 3/2 इधर है तो दूसरी साइड आकर 2/3 आ जाएगा, ये हम पिछली क्लासेस में भी बहुत बार पढ़कर आ चुके हैं है ना, सबको पता चल गई होगी अब तक तो ये बात। वेरी गुड, अब इसको सॉल्व करके सब बच्चे जल्दी से बताओ कितना आएगा, एच कितना आएगा, ऊंचाई कितनी आएगी? वेरी नाइस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है 4 सेंटीमीटर। सब बच्चों ने नोट भी कर लिया ये क्वेश्चन, वैसे तो सभी बच्चों ने सॉल्व भी किया था। ओके वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चे चार्ट में भी पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, वेरी नाइस। ठीक है तो एक और क्वेश्चन करोगे?
यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चैट बॉक्स को मैं बंद कर दे रही हूँ। अच्छा, जिन बच्चों के पास एक्टिविटी का ही ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो क्या करेंगे, वो नोटबुक पर सॉल्व करेंगे और मुझे बैक कैमरा करके दिखाएंगे। अगर उन्हें नहीं पता बैक कैमरा कैसे होता है तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो। बच्चों के मैम पूल का ऑप्शन नहीं आया है, नहीं है। तो अब आपको 4 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वेरी गुड अंजलि। वेरी गुड दिव्या। वेरी गुड रिया। हाँ जी, और कोई, जिन बच्चों के पास पोल को ऑप्शन नहीं है उन्होंने नहीं दिखाया मुझे अब तक। जिन बच्चों के पास पोल को ऑप्शन नहीं है उन्होंने अब तक मुझे आंसर नहीं दिखाया है, और अब तक सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर किया। इसमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगेगा। चलो लास्ट का 1 मिनट और, 1 मिनट और दूंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला भी क्लास स्टार्ट होने से पहले भी आपको रिवाइज कराया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं। लास्ट के 30 सेकेंड्स। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं जबकि पोल में इतने कम आंसर कर रहे हैं। कुछ एक बच्चों का मुझे पता है जिनके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास पहले एक्टिविटीज का ऑप्शन आता था, आज नहीं आ रहा है या अभी नहीं आ रहा है आजकल में? ऑप्शन एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है, पहले आता था फोन में। अच्छा था। अच्छा अच्छा तो एक बार ना आप अपना अपडेट करके देख लेना। ज्योति, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बट आपने अच्छा ये फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल ठीक है ज्योति, बिल्कुल ठीक है। चलो अभी मैं रिजल्ट सबको दिखा रही हूँ, पोल सेक्शन को मैं बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे कि आपने कौन सा वाला फॉर्मूला इसके लिए लगाया। वेरी नाइस। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? अंडर रूट 3/4 a² अब यहाँ पर a मतलब भुजा क्या दी गई है आपको? अंडर रूट 3/4 और a मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट 3/4 × 16। वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा जिसने लंबाई और चौड़ाई वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया हो, 4 × 3 किया था? ऑप्शन बी करेक्ट है ना? ज्योति बेटा आपको समझ आया? ज्योति आपने ऐसे नहीं किया था, आपका आंसर तो यही था 4√3। ओके ठीक है, तो हम ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो सबको पता चल गया कि आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो, है ना? दो फॉर्मूलाज हैं, एक क्या है, 1/2 × आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई यानी एच। जो समबाहु त्रिभुज होगा उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला आ जाएगा जिसे हम √3/4 a² यानी भुजा का वर्ग। सब बच्चे इसको याद रखेंगे। आगे बढ़े फिर।
चलो आज हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। अब आपको ये तो पता है कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। अब बच्चों मुझे बताओ, कितने बच्चों को याद है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है? एक लाइन में बता दो, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहला आता है, कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। सब बच्चे एक एक लाइन लिखेंगे, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी याद है आपको। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम हम पहले पढ़कर आए हैं। ओके अंजलि, वेरी गुड। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, बिल्कुल ठीक। और वेरी नाइस जिसमें जिसमें क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती हैं। बेटा ये बेसिक डेफिनेशन नहीं है पैरेललोग्राम की, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और बराबर हो, जिसमें जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। डायगनल्स बेटा इक्वल नहीं होते, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। एक बारी मैं आपको याद दिला देती हूँ। मान लो ये आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, यानी पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। आमने सामने के एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। याद आई ये सारी चीजें? तो बेसिक चीज आपको क्या याद रखनी है कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, जो भी हम परिमाप और क्षेत्रफल यानी पैरेललोग्राम का जो एरिया और पेरिमीटर निकालने में जो यूज होगा ना, वो क्या होगा, इसका परिमाप और क्षेत्रफल के लिए आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, वो इक्वल होती हैं। अच्छा ये किस किस को याद है, हमने तीन तरह के समांतर चतुर्भुज पढ़े थे, तीन तरह के पैरेललोग्राम पढ़े थे, क्या क्या नाम थे बेटा? काइट तो पैरेललोग्राम नहीं है। हमने एक आयत पढ़ा था यानी रेक्टेंगल, एक वर्ग पढ़ा था यानी स्क्वायर, और एक क्या पढ़ा था, सम चतुर्भुज पढ़ा था। काइट को आप पैरेललोग्राम कैसे कह सकते हो? काइट में क्या आमने सामने की जो साइड्स होती है वो बराबर होती हैं? नहीं होती ना। काइट में तो जो हमारी एडजेसेंट साइड्स होती है, जो आसन्न भुजाएं होती हैं, वो बराबर होती है। जबकि आयत में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, रोम्बस में, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज में आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो सबको याद आ गया क्या होता है? ठीक है, तो कोई बता सकता है इसका परिमाप क्या होगा? अगर मैं आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रही हूँ, है ना, जिसकी लंबाई एल है, जिसकी चौड़ाई बी है, मुझे इसका परिमाप बताओ, मुझे इसका पेरीमीटर बताओ, कितना आना चाहिए? ओके, सब बच्चे कुछ कुछ सब बच्चे अपने अपने हिसाब से लिखो, गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं। इसका पेरीमीटर क्या हो सकता है? वेरी गुड, तो ये कहाँ से आया? वेरी गुड, एक बच्चे ने 2l+2b लिखा है। बेटा स्क्वायर कैसे आएगा, l² + b² कैसे आएगा? आप मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हो, आप तो जोड़ रहे हो। हाँ सभी बच्चे ठीक लिख रहे हैं। अब आपको पता है जो पैरेललोग्राम होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, तो बाकी दोनों साइड्स हमें पता चल गई, तो परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, b+l + b+l, ये हो जाएगा, है ना। अब b को b में जोड़ दो, 2b हो गया, l को l में जोड़ दो तो 2l हो गया। या पहले l को लिख लो फिर b को लिख लो, पहले लंबाई लिख लो फिर चौड़ाई लिख लो, 2l+2b आ गया। अब इसमें से आपने इसमें से भी 2 ले लिया, इसमें से भी, अब चाहे तो आप ये लिखो, चाहे 2 को बाहर निकाल कर l+b लिखो, ये तीनों किसके फॉर्मूलाज हो गए, ये तीनों इसके परिमाप निकालने के फॉर्मूलाज हो गए। आप लोगों ने खुद ही निकाल दिया, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कैसे आया ये फॉर्मूला।
वेरी गुड, सभी बच्चे प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका परिमाप यहाँ से आपके पास आ गया। अब हमने एक भुजा को ए ले लिया, दूसरी को बी ले लिया, तो इनके पास परिमाप क्या आ गया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। सबको समझ में आया, कैसे आया ये, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया था, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो ए को ए में जोड़ा तो 2a बना, बी को बी में जोड़ा तो 2b बना, दोनों में से 2 को कॉमन लिया, हमारे पास ए प्लस बी बचा। तो परिमाप सबको क्लियर है, वेरी नाइस। अब देखो, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की। अब किसी भी चीज का एरिया क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, एरिया के लिए जैसे हम ट्रायंगल में करते हैं ना, बेस लेते हैं, एक एक आधार लेते हैं और उसकी ऊंचाई लेते हैं। ये आधार हो गया ए बी, अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, कोई बता सकता है? ए बी सी डी, ये जो पैरेललोग्राम है, जो समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोई अभी ऊंचाई है हमारे पास या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ, क्या इसकी ऊंचाई अभी आपको पता है? अभी हमें ऊंचाई नहीं पता है। वापस से उस घर वाले एग्जाम्पल को आप अगर लेके देखो जो मैंने आपको बताया था, ऊंचाई हमेशा क्या होगी इस घर की, ये होगी, ये जो सीधी रेखा है इसके आधार पर जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, जिसे हम लंब भी कहते हैं, शीर्ष लंब भी कहते हैं, है ना, एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लंब गिराना पड़ेगा डी शीर्ष से, जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये इसकी ऊंचाई होगी, ना कि ए डी, ये इसकी ऊंचाई आ गई है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई आ गई। अच्छा, अब अगर मैं आधार इसका क्या लेती हूँ, एडी लेती हूँ, तब भी मुझे ऊंचाई बदलनी पड़ेगी। तब ऊंचाई कौन सी वाली हो जाएगी, तब ऊंचाई आप कहीं और से लेंगे, है ना, रुको एक मिनट, ये आ गई ऊंचाई शीर्ष लंब एच, ठीक है। तो अब इसका वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आधार गुणा शीर्ष लंब, यानी बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। किसी भी समांतर, हाँ हाँ क्वेश्चन भी करेंगे, किसी भी समांतर चतुर्भुज का, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। समझ में आए, समझ में आया सबको? यस मैम। परिमाप पर वो कैसे निकालते हैं, सब क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओ और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि नोट करने वाली चीज क्या है, हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं। जैसे हम ट्रायंगल में कोई सी भी भुजा को, कोई सी भी साइड को हम क्या लेते थे, हम किसी भी साइड को बेस ले सकते थे, आधार ले सकते थे, वैसे ही समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में हम किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं, है ना, परंतु शीर्ष उसकी भुजा, उसी भुजा का लेना होगा जिसे हमने आधार माना है, जिस चीज को हमने आधार माना है उसी का हमें शीर्ष लेना पड़ेगा, उसी का हमने शीर्ष लंब लेना पड़ेगा। मान लो आप ये वाली भुजा ले रहे हो बीसी, तो इस पे ना कुछ इस तरीके से हम शीर्ष लंब गिराएंगे, इसकी ऊंचाई कुछ इस तरीके से लेंगे जो सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर आप बेस बीसी ले रहे हो तो आप ऊंचाई, यानी कि इसका जो ऊंचाई है एच जो है, वो आप डीएम नहीं ले सकते, है ना, ये बात तो सभी को पता है ना, ये बात तो सभी को पता है ना, जो बेस लेते हैं उसी के ऊपर एल्टीट्यूड होना चाहिए, उसी के ऊपर शीर्ष लंब होना चाहिए। यस मैम। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शीर्ष लंब क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, आधार और उसके सामने वाली जो साइड होती है, देखो यहाँ पे आधार क्या है, ए बी है, ए बी आधार है और उसके सामने वाली साइड जो है उससे आधार के बीच की जो दूरी है इसे हम ऊंचाई भी कहते हैं और इसे हम शीर्ष लंब भी कहते हैं। ये जो इसकी चौड़ाई कह लो, या तो आप इस समांतर चतुर्भुज की जो चौड़ाई है या इसकी ऊंचाई है, वो इसका क्या हुआ, शीर्ष लंब हुआ। समझ में आ गया सबको, समझ आया हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन करते हैं।
ये रहा क्वेश्चन। पेरीमीटर के और क्षेत्रफल के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ओके अंजलि, कहां से आपका नेटवर्क लॉस्ट हुआ था? देखो मैं बस ये बता रही थी कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो पैरेललोग्राम होता है, उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, उसकी बेस इनटू हाइट करके। आपने पहले वो फॉर्मूला लिख दिया था, वही चीज मैंने एक्सप्लेन करी है। बेस इनटू हाइट जो हम करते हैं वो इसका फॉर्मूला होता है, और इसका परिमाप का आपने पहले ही लिख दिया था। मैम परिमाप तो हम पहले बता चुके थे। हाँ बोलो अंजलि, क्वेश्चन के बाद पूछेंगे। ओके हाँ क्वेश्चन के बाद पूछ लेना। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, जिसमें एडी आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, एबी 9 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपको इसका परिमाप निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। वेरी गुड। वेरी गुड। जिन लोगों से कैमरा बैक कॉल सेक्शन में कैसे यूज़र करते हैं? ललिता आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, इन कॉल मैसेजेस के नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, जहां पर 3 डॉट्स है वहां पर जाकर। नो मैम। अच्छा बेटा फिर आप मुझे बैक कैमरा करके दिखा दो एक बार ना। जिन बच्चों के पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप प्ले स्टोर में जाकर गूगल मीट को अपडेट करके देख लेना। हाँ विद्या आपका ठीक है, आप एक बार अपडेट करके देख लेना तो हो सकता है पोल सेक्शन उसका ऑप्शन आ जाए आपके पास। इतने आप क्या करो, इतने आप बैक कैमरा करके दिखा सकते हो। वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक किया है। अमन के नाम से कौन है आपका? ठीक है बिल्कुल। विशाखा मैम। ठीक है विशाखा, आपका बिल्कुल ठीक था। देखो किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है या किसी स्टेप कोई स्टेप आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसको पूछ सकते हो। रिंकी आपका भी बेटा बिल्कुल ठीक है। इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, मुझे पोल में इतने कम बच्चों का आंसर क्यों नजर आ रहा है? अगर आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं है तो मुझे बैक कैमरा करके दिखा दो, सिंपल सी बात है। यस ललिता आप दिखाओ। वेरी गुड ललिता, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी चलो लास्ट के 15 सेकेंड्स और, उसके बाद 15 सेकेंड्स के बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, तो जल्दी से सब बच्चे आंसर करो। पोल बंद हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। वेरी गुड, कैलाश के नाम से कौन है? मैम। हाँ जी हाँ कुंडी। ज्योति बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, चलो अभी मैं रिंकू के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे जितने भी बच्चे दिखा रहे हैं सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ और पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ। आप देखोगे वहां पर जाकर केवल 2 बच्चों का गलत है, बाकी सब बच्चों ने ठीक किया है, बट बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो वो चीज मैं मान के चल रही हूँ कि हाँ काफी बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं। वेरी गुड, तो ये तो एक भी बच्चे का बैक कैमरा कैसे करें? अच्छा बैक कैमरा कैसे करते हैं, तो अभी के लिए तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। बैक कैमरा के लिए आप पहले अपने फोन का नीचे कैमरा ऑन करो, और कुछ ऐसे करके ना आपके फोन में बिल्कुल टॉप पे एक ऐसे करके एक आइकन बना होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा। वेरी गुड, देखो सब बच्चे प्रॉपर एक्सप्लेन करके भी लिख रहे हैं। हमें पता है समांतर चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा a प्लस b, या फिर आप लंबाई प्लस चौड़ाई लिखो या दोनों भुजाओं का जोड़ लिख दो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसे l प्लस बी लिखो या a प्लस बी लिखो, आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। a का मतलब एक भुजा, b का मतलब दूसरी भुजा यानी दूसरी साइड। तो एक साइड 7 है, दूसरी साइड 9 है। अब 7 और 9 को जोड़ा तो 16 आया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, तो परिमाप कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था, और सभी बच्चे बहुत अच्छे से करके चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। वेरी नाइस, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। वेरी गुड, फिर जल्दी से अगला क्वेश्चन कर ले। ओके अगला क्वेश्चन, कितने पढ़ो? तो
सभी बच्चे फोन में जाकर आंसर करेंगे। यदि समांतर चतुर्भुज PQR इसका परिमाप आपको दिया गया है, आपको परिमाप दिया गया है, आपको पेरीमीटर दिया गया है और आपको एक भुजा यानी एक साइड 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो अन्य भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ना आप ऑप्शंस बहुत कम कर सकते हो इसमें। कैसे? आपको पता है PQ आपको दी गई है तो आपको SR का मान पता चल जाएगा। अब SR का मान जिस भी ऑप्शन में करेक्ट है वही ऑप्शन ठीक होगा। एक बहुत बहुत इजी मैंने आपको इसका मेथड बता दिया देखने का, आपको कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अब बस आपको ये देखना है PQ अगर 8 सेंटीमीटर है तो उसके सामने वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शंस में देखो कौन से वाले ऑप्शंस में वो वाली साइड एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। चलो लास्ट के 30 सेकेंड्स और दे रही हूं मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन के लिए किसी ने लिखा है कि स्क्वायर नहीं आएगा। यस बेटा स्क्वायर नहीं आना था उस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें परिमाप निकालना था, हमें पेरीमीटर निकालना था। अभी तक हाँ बेटा, अभी अभी चैट सेक्शन खोल दूं? Yes, ma'am. चलो अभी आप रिजल्ट भी वहां पर देख सकते हो। पोल को मैं बंद करने जा रही हूँ, वहां पे कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा इसके बाद। चैट को मैंने खोल दिया है। हाँ तो जो मेथड मैंने बताया था उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेंगे। अगर एक समांतर चतुर्भुज PQRS है जिसमें PQ भुजा 8 सेंटीमीटर है, PQ 8 सेंटीमीटर है तो SR भी 8 सेंटीमीटर होगी। अब आपको ऑप्शंस में देखना है कि SR 8 सेंटीमीटर कौन कौन से ऑप्शन में है। SR 16 सेंटीमीटर गलत ऑप्शन, SR 16 सेंटीमीटर गलत ऑप्शन, SR 16 सेंटीमीटर गलत ऑप्शन। आपके पास डायरेक्टली ही एक एक ही बचता है, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, है ना। SR 8 सेंटीमीटर आ गया। अब एक तो ये तरीका है ना। अब दूसरा तरीका क्या है, जो मेन मेथड है निकालने का, उसमें आप क्या करोगे। अब आपको पता है परिमाप यानी 2 into a plus b, यही पे लिख रही हूँ मैं, 2 into a plus b आपको कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। यस अपोजिट साइड बराबर होंगी। अब a आप किसे मान लोगे, a आप 8 को मान लो, b अभी आपको नहीं पता है, b आपको निकालनी है ना। 248 आ गया। अब यहाँ से a 8 प्लस बी बराबर आ गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब जरा 48 को 2 से भाग करो तो 24 आ जाएगा, है कि नहीं। अब 8 में ऐसा क्या जोड़े कि 24 आ जाए, वो कैसे निकलेगा, b बराबर है 24, ये 8 इधर प्लस का है दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो दूसरी भुजा यानी दूसरी साइड कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब बाकी दोनों साइड 16 16 होंगी। सेंटीमीटर लेंथ है और 8 सेंटीमीटर ब्रेथ है। वैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ऑप्शंस में 8 और 16 ही दिया गया था, ऑप्शंस में भी 8 और 16 ही दिया गया था। हाँ एक और क्वेश्चन करेंगे, पहले बताओ ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। मैम एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा से समझा देती हूँ। देखो
इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं लगाना था, बस एक छोटा सा हिट एंड ट्रायल करना था। देखो PQ आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है ना। PQ 8 सेंटीमीटर है तो उसके सामने वाली भुजा यानी SR भी 8 सेंटीमीटर होगा। कोई बात नहीं जिसका पोल में गलत हो गया, बट कोशिश किया करो कि पोल में गलत ना हो। अब आपको देखना है इन सारे ऑप्शन में SR 8 सेंटीमीटर कौन से वाले ऑप्शन में है। ए में देखो SR 16 सेंटीमीटर है, गलत होगा। बी में SR 16 सेंटीमीटर है, गलत होगा। सी में SR 16 सेंटीमीटर है, गलत होगा। सिर्फ ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें SR 8 सेंटीमीटर है और बाकी दोनों साइड 16 16 सेंटीमीटर होंगी। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास परिमाप 48 ही आएगा। जिनका पोल में गलत हो गया था बेटा ध्यान रखा करो, पोल में गलत नहीं करना है ना। हाँ जी, अब बताओ समझ आया आपको? आसान क्वेश्चन था ना ये, बहुत स्मार्ट वर्क करना है ना। कोई क्वेश्चन आप बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो। चलो फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चैट बॉक्स को मैं बंद कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर यस यस एक और क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या लगेगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए कौन सा वाला लगेगा, किन दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलो चलो लास्ट का, आपके पास 1 मिनट और है। अभी मैं देख सकती हूँ यहाँ पर 10 बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड वेरी गुड अंजलि, बाकी बच्चे भी वेरी गुड। ज्योति, सबको पता है हमें कौन सा वाला फॉर्मूला। अंजलि एक बार आप अपना आंसर दिखाओ। एक मिनट ऐसे ही रखना बेटा। फॉर्मूला क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का? गलत है। आपको ये देखना है बेस कौन सा वाला है, उसकी ऊंचाई कौन सी वाली है। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक आंसर किया है। अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। सब बच्चे पहले मुझे ये बताएंगे इसमें ऊंचाई और आधार क्या है। फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है समांतर चतुर्भुज के, पैरेललोग्राम के। बेस इंटू हाइट है ना, आधार गुणा ऊंचाई। एक मिनट चैट बॉक्स मैंने खोल दिया ना। हाँ यस, यहाँ पर हमारे पास हाइट, हाइट क्या लेंगे। अब हम बेस अगर 9 सेंटीमीटर वाला ले रहे हैं, अगर आप देखोगे ये अगर इसका बेस है, ये आप, आपको अगर इस वाली साइड से कंफ्यूजन हो रही है, आपको पता है अगर डीसी 9 सेंटीमीटर है तो एवी भी 9 सेंटीमीटर होगी। आप इस वाली साइड को मान के चल लो, अगर आपको ऊपर वाली साइड को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। अब एबी अगर आपका बेस है, एबी अगर आपका आधार है,
तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? ये इसकी ऊंचाई होगी, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इसकी ऊंचाई होगी, है कि नहीं? तो हमारे पास बेस 9 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक, और हाइट 8 सेंटीमीटर, कितना आना चाहिए? बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी जब हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे ना, क्यों होता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। आपने सोच समझ कर डिसाइड करना है बेस क्या है और उसकी हाइट क्या है। यस, लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो, अच्छा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, उसे भी आप लेंथ इनटू हाइट ही करोगे। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। यस, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? मैम एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से बता दूं ये वाला क्वेश्चन, वेट। अब देखो, आपको जो समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो पैरेललोग्राम होता है, सबसे पहले आपको उसका एरिया पता होना चाहिए। आप उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कैसे निकालते हैं, है ना? उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। अब वापस से अगर मैं उस वाले घर वाले एग्जाम्पल की बात करूं, तो अगर ये आपका बेस है, ये AB बेस है, तो क्या आप इसकी ऊंचाई ये कहोगे, AD कहोगे? बिल्कुल भी नहीं कहोगे, है ना? आप इसकी ऊंचाई इस वाली लाइन को कहोगे। ये थोड़ी सी शायद आपको टेढ़ी नजर आ रही होगी, इसलिए कंफ्यूजन हो रही होगी, ये ऐसे मान लो। बट आपको 90 डिग्री का कोण नजर आ रहा है, तो उससे आपको समझ जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझने दो। तो आपको समझ आया, आधार ये हो गया और इसकी ऊंचाई ये वाला हो गया। अब आपको ये पता है कि अगर ये 99 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाली साइड भी 9 सेंटीमीटर होगी। Yes, ma'am. है कि नहीं? तो अब आधार कितना लोगे आप? 9 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बेटा एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मिनट। तो इसलिए समझ आया बेटा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी होगा मैम, है ना? चलो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, अगला क्वेश्चन भी दे रही हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करो। अगर एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एरिया आपको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और आधार आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको ऊंचाई निकालनी है। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन वाला है। प्रेजेंट मैम। बेटा क्लास खत्म होने वाली है, अब आप प्रेजेंट लगा रहे हो अपनी। इतनी लेट क्यों आए हो आप क्लास में? चलो सब बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। मैम शायद मेरा आंसर ठीक है। एक मिनट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है अंजलि। कुछ बच्चे अभी क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बेटा? इतनी लेट क्यों क्लास ज्वाइन कर रहे हो आप? प्रिया वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। विद्या आपका भी ठीक है। बाकी बच्चे जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है, हाँ जी जल्दी से आंसर करो, लास्ट के 30 सेकंड्स और मिलेंगे क्वेश्चन को करने के लिए। मैम ए। बेटा आपको पता है ना कि अनम्यूट करके आंसर नहीं करते। अगर आपको अपना आंसर दिखाना है, आप अपना बैक कैमरा ओपन करो, आंसर दिखाओ, आप पहली भी क्लासेस में दिखाते आए हो। चलो रिंकी बिल्कुल ठीक है बेटा,
चलो अब मैं पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ और चार्ट को मैं खोल दूंगी, सब बच्चे वहां पर बताएंगे। वेरी नाइस। क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज जो होता है, जो पैरेललोग्राम होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, लेंथ यानी बेस इनटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई आपको कितना दिया गया है, 28 दिया गया है, सॉरी 28 दिया गया है। अब बेस आपको पता है 7 है, ऊंचाई आपको निकालनी है, तो यहाँ से h क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में आ जाएगा, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। और ये सभी बच्चों का ठीक था, वेरी गुड, ये सभी बच्चों का ठीक भी था। एक बार क्या करके दिखाना, एक बार ये और से करके दिखाऊं, दोबारा से बताऊं, बिल्कुल ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से दिया गया है ना। और आपको ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस यानी आधार गुणा ऊंचाई यानी हाइट, है ना। बी से हम क्या दिखाते हैं, आधार दिखाते हैं, और एच से हम क्या दिखाते हैं, ऊंचाई दिखाते हैं। आपसे क्वेश्चन में ऊंचाई पूछी गई है, तो आधार को जब ऊंचाई से गुणा करेंगे तो हमारे पास 28 आना चाहिए। अब क्वेश्चन में आपको आधार 7 दिया गया है, क्वेश्चन करवाऊंगी भी पहले बच्चों को ये तो समझने दो, 28 आ जाएगा। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो 28/7 इधर आकर 7 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो h कितना आ गया, 28 को 7 से भाग करो 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया, या आप सीधे सीधे देख सकते हो 7 में क्या किस चीज को गुणा करें कि 28 आए, 7 चौके 28 होता है, 7 4 28 होता है कि नहीं। तो इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा अब मुझे ये बताओ किस किस को ये पता है जो रेक्टेंगल होता है, अब रेक्टेंगल भी एक समांतर चतुर्भुज है ना। एक मिनट रुको, रेक्टेंगल भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, तो उसका उसका आप क्या कैसे निकालोगे, एक मिनट रुकना बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। बट क्यों समांतर चतुर्भुज की, तो अगर हम समांतर चतुर्भुज के एरिया की बात करें, किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें, वो तो बेस इनटू हाइट नहीं होता है। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ, बेस इनटू हाइट होता है ना, तो उसमें हम जो चौड़ाई है, जो उसकी ब्रेड्थ है, उसको हम उसकी हाइट क्यों लिख रहे हैं, हाइट को हम ब्रेड्थ क्यों ले रहे हैं, किसी को ये बात पता है। एक मिनट देना बेटा, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ, रुक गई है ये। क्वेश्चन ही तो पूछ भी कभी जैसे ब्रेथ नहीं दी जाती है तो हम 2 × length + breadth करते हैं तो ब्रेथ को निकालते हैं, इसलिए वो तो बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला। देखो मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, ये है क्वेश्चन, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट होता है ना। बट अगर आप पैरेललोग्राम के एरिया की बात करते हो तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मुझे ये बताओ इसमें हम इसकी हाइट क्यों नहीं लेते हैं, हाइट क्यों नहीं लिख रही हूँ मैं, इसकी हाइट क्या है, मुझे ये बताओ इसकी हाइट क्या है। क्योंकि मैम इसकी सारी कोण 90 डिग्री के होते हैं। वेरी गुड, अंजलि भी बिल्कुल ठीक बोल रही है। और अभी किसने बोला अनम्यूट करके, मैम मनीषा। यस मनीषा, क्योंकि आपको पता है हमेशा जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, जो
सामने वाली साइड से बिल्कुल सामने, जैसे हम समकोण त्रिभुज की राइट एंगल ट्राइंगल की भी बात करते हैं, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में ऊंचाई इस वाली साइड को क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बना रही है सामने वाली साइड पे, तो क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो चौड़ाई है उसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, ये इसकी लेंथ हो गई, इसको हम बेस भी कह सकते हैं और इसको हम इसकी ऊंचाई भी कह सकते हैं, बट हम यूजुअली क्या कहते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई कह देते हैं, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है वही इसकी ऊंचाई होती है, इसलिए फॉर्मूला हम एल इंटू बी लिखते हैं, इसलिए हम एल इंटू बी लिखते हैं। अब मुझे जल्दी से ये, मैं आपको एक आयत दे रही हूँ, एक रेक्टेंगल दे रही हूँ, इसका मुझे परिमाप बताओ कितना होएगा। सभी बच्चे देखो, जो फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज के लिए, क्योंकि परिमाप ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका परिमाप भी क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला, जल्दी से इसका परिमाप बताओ कितना होगा। वेरी नाइस, 2 into a + b, यानी के 2 into 4 + 3, जो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ, किसी को ये बात बताए कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है। मैम 4 into side। 4 into side तो बेटा पेरीमीटर होता है, 4 into side पेरीमीटर क्या होता है वो भी देख, वो भी जान लो। मैम साइड इनटू साइड है ना, ए ए ए ए, तो यानी कि आप ए को 4 बार ऐड कर रहे हो, साइड को 4 बार ऐड कर no, रहे हो। नो मैम, 3 बार। बेटा 3 बार क्यों ऐड करेंगे आप स्क्वायर में, मुझे ये बताओ आप 3 बार क्यों ऐड करोगे। सॉरी मैम, वो ट्रायंगल का है। हाँ ट्रायंगल का, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पेरीमीटर आ गया। अब मुझे आप एरिया बताओ, इसलिए इसका साइड इन टू साइड या फिर ए स्क्वायर आप इसको कह लो, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो किसी भी चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या चीज पता है, आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया हम बेस इनटू हाइट करते हैं। अब रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल में बेस और हाइट लो, स्क्वायर लो उसमें बेस और हाइट लो, ठीक है। अब जल्दी से इस वाले स्क्वायर का मुझे पेरीमीटर और वो बताना एरिया, इसकी साइड में आपको दे रही हूँ 6 सेंटीमीटर। जल्दी से पेरीमीटर, 1 मिनट है क्लास खत्म होने में, इसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। चैट बॉक्स, वेरी गुड, काफी बच्चे सॉल्व भी करने लगे हैं। पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर आ गया और एरिया कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना। वेरी गुड, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी मैं होमवर्क दे देती हूँ।